तो आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं कि घर में ही बहुत ही मज़ेदार गाढ़ी क्रीमी ग्रेवी के साथ ये चिकन कैसे बनाते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं अफगानी चिकन। तो अफगानी चिकन अफगानिस्तान की एक फेमस नॉनवेज डिश है जिसे भारत में भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। अफगानी चिकन अपने माइल्ड स्पाइस और चटपटे स्वाद के लिए जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुक विद मनीषा में। तो चलिए देख लेते हैं मज़ेदार चिकन की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने एक बड़ा कटा हुआ प्याज लिया, इसे बड़े पीस में काट लिया है। एक मुट्ठी भर के पुदीने के पत्ते, एक मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया ले लिया है। और ग्रेवी गाढ़ी और क्रीमी बनाने के लिए मैंने 10 काजू लिए हैं, 3 हरी मिर्च लिए है, हरी मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं, 10 छिले हुए लहसुन के कलियाँ, एक छोटा पीस मैंने अदरक का लिया है और उसे छोटे छोटे पीस में काट लिया है। तो अभी हमें करना क्या है कि सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सी जार के अंदर डाल के अच्छे से पीस के इसका पेस्ट बना लेना है। तो पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, साथ ही साथ डालेंगे अदरक, लहसुन, कटा हुआ प्याज, काजू भी डाल देंगे, हरी मिर्च को डालेंगे इस तरह से तोड़ते हुए ताकि आसानी से पीसे जाए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 कप पानी ताकि इसका जो पेस्ट है ना बारीक पीस के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इन सारे चीज़ों को पीस के इसका पेस्ट यानी कि चटनी के जैसे बना लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पीसी हुई ग्राइंडर जार के अंदर की चटनी मैंने मिक्सिंग बोल के अंदर निकाल लिया है। अब बारी आती है इसके अंदर 1/2 कप दही डालने की, साथ ही साथ डालेंगे 1/2 कप भर के फ्रेश क्रीम। यहाँ पे मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, आप चाहे तो दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच पीसी हुई काली मिरी यानी कि ब्लैक पेपर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच भर के मैंने चिकन मसाला लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया जीरा पाउडर लिया है। तो इन सारे चीज़ों को हमें अच्छी तरह से फेंट के एक साथ मिला देना है। तो ये मिश्रण के अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 किलो चिकन, 1/2 किलो चिकन को मिश्रण के अंदर मिला देंगे। आप चाहे तो ये मिश्रण के अंदर चिकन की जगह पे पनीर डाल के भी ग्रेवी बनाकर खा सकते हैं। इसके ऊपर प्लेट रख के हम 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो 2 घंटे के बाद यहाँ पे अपना चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब बारी आती है इसे पकाने की। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले ये मिश्रण के अंदर जो भी चिकन के पीस मैरिनेट हो गए ना उसे निकाल निकाल के हमें भून लेना है। तो पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ 2 क्यूब बटर के, और साथ ही साथ डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के तेल। तो यहाँ पे बटर मेल्ट हो गया और तेल गरम हो गया है, तो इसके अंदर हम डालेंगे मैरिनेट चिकन। तो इस तरह से आपको ये सारा मिश्रण मैरिनेट का जो भी हमने लगाया ना उसे झटकते हुए यानी कि निकालते हुए ये सारे चिकन के पीस पैन के अंदर डालते जाना है। तो बोल के अंदर के सारे चिकन के पीस मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिए है, और ये जो मिश्रण है ना इसे हमें फिलहाल अभी साइड में रख देना है, इसे हम बाद में भूनेंगे। कढ़ाई के अंदर की चिकन को हमें अच्छी तरह से भून लेना है मीडियम से हाई फ्लेम पे। तो चिकन को इस तरह से बटर में भूनने से ना चिकन खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और चिकन के पीस का स्वाद दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर ये जो ब्राउन कलर के स्पॉट्स आने लगे हैं, तो इसे आपको अच्छी तरह से ब्राउन कलर होने तक भून लेना है। और दही का पानी भी आप देख सकते हैं सूख गया है और चिकन को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो भुने हुए चिकन को अभी हम निकाल लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर का सारा भुना हुआ चिकन मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है, इसे अभी हम फिलहाल साइड में रख देंगे। अब हम बना लेते हैं इसके लिए ग्रेवी। तो गरम बटर और तेल के अंदर हम डालेंगे कुछ साबित गरम मसाले। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी इलायची डाल दी है, छोटा पीस हम दालचीनी का डाल देंगे, 4 लौंग डालेंगे, 6 काली मिरी भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब बारी आती है इसके अंदर एक दही वाला मिश्रण डालने की, जो हमने चिकन के पीस निकाल के बोल के अंदर मिश्रण रखा था ना मैरिनेट वाला,
वही मिश्रण मैंने एक गरम बटर और तेल के अंदर डाल दिया है। तो दही और सारे मसाले के अंदर का कच्चापन आ जाने के लिए इसे आपको 5-6 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे लीड लगाकर अच्छे से भून लेना है। तो इसके ऊपर लीड लगा देंगे, बीच बीच में आपको इसे चलाते भी जाना है। तो थोड़ी देर में देखेंगे मसाले के ऊपर बटर और तेल दिखने लगा है, इसका मतलब है मसाला बहुत ही बढ़िया तरीके से भून के तैयार है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे भुना हुआ चिकन, एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करते हुए इसके अंदर डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है चिकन के अंदर। चिकन को भून के हमने आधा पका लिया है, फिर भी अभी थोड़ा सा ये कच्चा है, तो इसे पूरी तरह से पकाने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी भी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है, तो इसे पतला करने के लिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। तो ग्रेवी आप जितना गाढ़ी या पतला खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से इसके अंदर पानी डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने टोटल 1 कप पानी डाल दिया है। तो पानी मिलाने के बाद अब हम कढ़ाई की लीड लगा देंगे और इसे आपको लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पका लेना है। लीड को आपको बीच बीच में खोलते हुए इसे मिलाते भी जाना है, क्योंकि हमने ग्रेवी के अंदर काजू और क्रीम डाला है ना, तो चिपकने का डर रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चिकन बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गया है, ग्रेवी के ऊपर बटर और तेल भी दिखने लगा है। अगर आपको अलग अलग तरह की चिकन की रेसिपी देखना है तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। सिंपल चिकन बिरयानी की रेसिपी भी मैंने अपलोड की है, इसे मैंने सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल लिया है। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर मैं डालूंगी तली हुई हरी मिर्च, आप चाहे तो कटा हुआ हरा धनिया डाल के भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना चटपटा क्रीमी ये चिकन खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस रेसिपी को आप आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और भी आने वाली मेरी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।